ओप्स। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं एक और नई वीडियो में, और इस वीडियो में मैं प्रॉपर फ्री हैंड आउटलाइन बनाने वाला हूँ। और इसमें मैंने दो स्केचेस बनाए हैं, उसमें मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई है बिकॉज आउटलाइन थोड़ी बिगिनिंग स्टेज में, तो आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि कितना थोड़ा परफेक्ट नहीं बनता, तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसलिए मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई। बट मैंने ये दिखाया कि मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, और आप लोग को आउटलाइन देख के लगेगा कि यार बहुत बेकार बन रही है, पर ऐसा नहीं होता यार। जब आप फ्री हैंड बनाते हो तो आपकी स्टार्टिंग बहुत बेकार ही होती है, आपको रफ़ स्केच बनाना पड़ता है स्केच का, तो आपको लगता है कि बहुत बेकार बन रहा है। और रफ़ स्केच हमेशा रफ़ चीज़ आप समझ नहीं रहे हो गाइस। अगर आप लेवल के साथ इम्प्रूव होंगे, लेयरिंग के साथ इम्प्रूव करोगे आउटलाइन को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोग को। तो इसलिए मैं भी यही प्रेफर करता हूँ कि आप लोग को लेयरिंग के साथ इम्प्रूव होना चाहिए। तो यही चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगी, कैसे मैंने स्टार्ट किया एक रफ स्केच के साथ, और देन फाइनल रिजल्ट नॉट परफेक्ट बट इट्स ओके, अच्छा ही रिजल्ट आया। तो दो स्केच बनाया हूँ, दोनों में पूरी वीडियो नहीं है किसी की भी, पर आप लोग को देख के ज़रूर समझ आएगा। पर जब मैं परफेक्ट बनाना सीख जाऊँगा तो ज़रूर पूरी वीडियो लाऊंगा, तो वीडियो आखिर तक देखना। अगर कुछ सीखने मिले तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वैसे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे अब तो भी कोई बात नहीं, हम वीडियो डालेंगे। तो स्केच आखिर तक देखना, तभी जज करना, उससे पहले जज मत करना, बिकॉज जो लोग फ्री एंड आउटलाइन नहीं जानते उनको नहीं पता होगा कि आपको अपग्रेड करना पड़ता है लेयर के साथ, और उसके बिना फ्री एंड आउटलाइन कभी भी आप फ्री एंड आउटलाइन सीधे पेंसिल स्टार्ट करके नहीं ड्रॉ कर सकते। आपको उसके लिए भी कुछ लेवल्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, कुछ रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगा, और अपन भी इम्प्रूव होंगे तो और अच्छे से बताऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोटो में कुछ लाइंस ड्रॉ करने हैं फॉर आवर रेफरेंस। फ्री हैंड ड्रॉ करना ये नहीं होता कि आप पेंसिल पकड़े और स्टार्ट कर दिए ड्राइंग, ऐसा नहीं होता यार। आपको सबसे पहले कुछ रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करने पड़ते हैं। आप बड़े से बड़े आर्टिस्ट को देख लोगे तो वो भी ये चीज़ करते हैं, तो इसके लिए मैं पिक्सआर्ट का यूज़ करने वाला हूँ। और पिक्सआर्ट में हम लोग ड्रॉ यूज़ करके लाइंस ड्रॉ करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से। सबसे पहले आपको जो भी चाहिए वो फ़ोटो चूज़ कर लेना है। मैंने विराट कोहली की वाली फ़ोटो चूज़ करी, देन मैं ड्रॉ में गया, और उसके बाद मैंने रेड कलर जो कि एक नॉर्मल कलर है उससे मैंने आइज़ के दोनों आइज़ के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर ली जो एक रेफरेंस पॉइंट होगा मेरे लिए इस तरीके से। और देन मैं नोज़ के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली नोज़ से पैरेलल, तो आप समझ रहे होंगे कैसे करना है। तो अगर आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ करे बिना सीधा पेपर में ड्रॉ कर सकते हो, दोनों ही बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलो मैंने तो यहाँ ड्रॉ कर लिया अपने रेफरेंस के लिए, अब आगे का प्रोसेस। सो व्हाट इज़ अप गाइस, आ चुके हैं एक सेम वीडियो ही है। तो गाइस, इसमें हम लोग फ्री एंड आउटलाइन बनाने वाले थे, और ये एक बहुत चैलेंजिंग वर्क होने वाला है मेरे लिए, सच में बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। और आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हमने एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है, ताकि हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मिले ड्रॉइंग करने के लिए। और यही चीज़ अब हम लोग सेम पेपर में भी करने वाले हैं। इसके लिए मैं अभी बहुत बिगिनर हूँ फ्री एंड आउटलाइन में, तो मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप थोड़े से फ्री हो तो आप नॉर्मल पेंसिल से सीधा ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइज़, मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ, जो लोग बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो गाइज़ इसमें मैं बस अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊँगा, और इसमें आपको फ़ोटो को जूम नहीं करना है। पर मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ कि आउटलाइन बहुत परफेक्ट नहीं बनी है, इसलिए मैंने पूरी वीडियो नहीं डाली। जिस दिन मैं परफेक्ट बनाना स्टार्ट कर दूंगा, उस दिन मैं पूरी वीडियो बना के आप लोग को सिखाऊंगा ज़रूर गाइज, पर उससे पहले मैं खुद प्रैक्टिस करना चाहता हूं और मैं खुद सीखना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो हो सकती है आप लोग के लिए उतनी हेल्पफुल ना हो, पर आप लोग को एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे एक रफ़ स्केच को आपको लेयरिंग कर करके आपको एक आउटलाइन फिनिश करनी है। क्योंकि जब भी आप एक फ्री एंड आउटलाइन बनाते हो तो आप कभी भी एक बार में पूरा परफेक्ट स्केच नहीं बना सकते, आपको एक रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट जाना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ दो लाइन ली रेफरेंस के लिए, वैसी आपको भी रेफरेंस लाइन लेनी पड़ती है, और उसके बाद आप लोग ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी चीज़।
तो यही चीज़ मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो और ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है ऑब्जर्वेशन के लिए, बाकी ड्रॉ करके आप खुद से देखना है। पर मैं जल्द ही जब मैं आउटलाइन अच्छे से बनाना सीख जाऊँगा तो डिटेल वीडियो ज़रूर लाऊँगा, पर उससे पहले ये वीडियो। और इसमें हम लोग को रफ स्केच के साथ स्टार्ट करेंगे, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर और बातें बताते हैं। तो गाइज़ हम लोगों ने लाइन अच्छे से ड्रॉ कर ली, और ये दोनों लाइन आपको ये देख के ड्रॉ करनी है कि कहाँ आपकी आईज आनी चाहिए और कहाँ आपका पूरा बॉडी आना चाहिए, मतलब फेस आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको जूम करे बिना ही आप लोग को ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है। और देखो गाइस, आप ऐसे भी कर सकते हो कि मतलब इक्वल रख लिया आपने। जब आप एक दो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर लेते हो तो आपके लिए आर्ट वर्क थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने करी है, जो कि बहुत ईजी चीज़ है, जो आप लोग भी कर सकते हो। बस आपको बिना जूम करे ही पहले दो लाइन, दो रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद ही स्केच स्टार्ट करना है। तो अब गाइस मेरे को दो रेफरेंस पॉइंट मिलने के बाद ड्राइंग थोड़ा सा इजी हो जाता है एक स्ट्रक्चर बनाने। तो अब मुझे पता है कि यहाँ से नोज़ बनेगा, तो अब मैं यहाँ से नोज़ बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ बिना कुछ देखे। और साइज़ का आप लोग को थोड़ा ऑब्जर्वेशन से ही सीखना पड़ेगा कि कितना साइज़ रहना चाहिए आइज़ नोज़ का, ये सब चीज़। तो इसलिए हम लोग को छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करना ताकि पूरा ड्राइंग आ जाए। पर गाइस इसलिए बोलते हैं कि फ्री हैंड आउटलाइन बनाना इतना हार्ड होता है, पर एक बात मेरी याद रखना, अगर ये चीज़ हार्ड होती है तो ये उतनी ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। अगर आप सच में एक आर्टिस्ट हो और अगर आप एक बार फ्री एंड आउटलाइन बनाना सीख गए तो आप आर्ट में बहुत कुछ सीख गए। फिर आप कुछ भी चीज़ कस्टमाइजेशन, कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो कहीं भी, चाहे वो वॉल आर्ट क्यों ही ना हो, आप कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। इसलिए आपको न्यू चीज़ ट्राई करना चाहिए, वही चीज़ मैंने भी किया। इस वीडियो में उतनी नॉलेज नहीं है बिकॉज मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, तो मैं सोचा कि आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ कि फ्री एंड आउटलाइन में मेरा भी पहला एक्सपीरियंस कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनी है। फिर भी आप लोग को ज़रूर कुछ सीखने मिलेगा कि कैसे मैंने एक रफ़ स्केच को, मतलब एक रफ़ लाइंस को एक स्केच में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की है। आप लोग वीडियो देखकर ज़रूर समझ। देख रहे हो कैसे मैंने दो रफ पॉइंट ड्रॉ करे, मतलब मैंने रफ स्केच बना रहा हूँ पहले, मैं बिल्कुल ही अब बहुत लाइट बना रहा हूँ। आपको भी लाइट ही ड्रॉ करना है रफ स्केच, और धीरे धीरे आपको लेयरिंग के साथ साथ अपनी डार्कनेस बढ़ाते जानी है, और कुछ नहीं, बस इतना ही सिंपल होता है। बट इतना सिंपल नहीं होता है क्योंकि आपको बहुत सारा रेफरेंस करना पड़ेगा, रेफरेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इसमें ग्रिड लाइन नहीं है तो आप सीधे ड्रॉ नहीं कर सकते ग्रिड टू ग्रिड ज्वाइन करके। आप समझ रहे हो ना क्या डिफ़िकल्टीज आती है, पर प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। और बस देखो वीडियो। अभी आप देख रहे हो स्केच उतना परफेक्ट नहीं बना है, पर इसको मैंने इसके बाद भी बार बार करेक्ट किया है। कभी भी आपको एक बार ड्रॉ करने के बाद आपको मिटाने से, मतलब इरेज करने से नहीं डरना चाहिए स्केच को, बिकॉज़ फ्री हैंड जब आप ड्रॉ करते हो तो आपसे बहुत सारी गलतियां होती है, जैसे अभी भी मेरे से बहुत सारी गलती हुई है। इसको मैं फिर से रब करके ड्रॉ करूँगा, तो आपको रब करने से नहीं डरना चाहिए। तो आप देख सकते हो गाइस कितना बेकार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, फाइनल रिजल्ट में थोड़ा सा और मैं इसे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आप चलो फाइनल रिजल्ट देखते हैं। On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're gone. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back.
पिछले स्केच में जो हमने गलती करी कि इतने बड़े साइज़ में ड्रॉ किया, अब हम साइज़ को छोटा करने की कोशिश करेंगे, मतलब रेफरेंस को अच्छे समझ के छोटा करने की कोशिश करेंगे ड्राइंग को, ताकि पूरा ड्राइंग आ सके पेपर में। आप समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलो जल्दी से नेक्स्ट ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी रेफरेंस ड्रॉ कर चुका है, और इस बार रेफरेंस पॉइंट थोड़े ज़्यादा है ताकि ज़्यादा हेल्प। इस बार भी मैंने सेम तरीके से ड्राइंग स्टार्ट करी है, बट इस बार रेफरेंस पॉइंट ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होगा आर्ट वर्क। और ये रेफरेंस पॉइंट में मैंने ज़्यादा कुछ अलग नहीं किया, बस मैंने नोज़ के पास से एक ड्राइंग मतलब एक लाइन मतलब एक रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करा, और एक लिप्स पे। आप लोग को ये बेसिक स्ट्रक्चर आता है आर्ट में, आपको ये शायद बेसिक प्रपोर्शन बोलते हैं इसको, अगर आप लोग को नहीं पता ज़रूर बताना, मुझे भी उतना कुछ पता नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा जान के आपको बताने की। वैसे ये सब चीज़ एक बस एक बोलते हैं ना किताबी नॉलेज है, आपको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आर्ट में। आप जब रियल में ड्रॉ करते हो तो आपको खुद के नॉलेज से ही ड्रॉ करना पड़ता है। और बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि दो आइज़ के बीच में एक आइज़ का डिफरेंस होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है उतना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, और बाकी और कुछ नहीं है। रेफरेंस टू रेफरेंस ड्रॉ करो, आपको कोई किताबी नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर वही है आपको सीखने में टाइम ज़रूर लगेगा। तो आपको विराट कोहली वाला स्केच कैसा लगा बताना, और वो क्या गलती थी वो भी बताना, पर मैं कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू ऑल्सो ट्राई, लेट्स। तो गाइस इस वीडियो में कुछ इतना ही, मैं अगले वीडियो और जल्दी आपसे इम्प्रूव होकर मिलूंगा। ये तो बस इसलिए था ताकि मैं आपको बताऊं कि कैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं और कैसे मैं ट्राई करता हूं खुद इम्प्रूव होने की। दो दिन में मैंने दो स्केच ड्रॉ किए। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच अदर वीडियोस।